Hey guys, welcome back to my channel. आज हम लोग फिर से खेलेंगे Pumping Simulator 2. लास्ट वाले एपिसोड के अंदर हमने हमारे फादर की कार बेच के कुछ पैसे कमाए थे और फिर उन पैसों से हमने एक पुराना सा पेट्रोल पंप बाय किया था जिसकी हालत ना गाइस बहुत ही ज्यादा खराब थी, बट जैसे भी करके हमने उसे रिपेयर कर लिया था और अपने पंप के बिजनेस को स्टार्ट कर दिया था। तो गाइस आज के इस एपिसोड के अंदर हम अपने बिजनेस को और बड़ा करने वाले हैं। तो भाई बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, तो भाई पैसा कमाने के लिए आज हम कूदने वाले ड्रग डीलिंग के बिजनेस में। तो गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, बिना किसी देरी के चलते सीधा गेम के अंदर। ऑलराइट गाइस, यहां पे हम आ चुके हैं सीधा गेम के अंदर। तो भाई सुबह हो रही है और ऊपर टाइम दिखा रहा है 9:28, मतलब 10 बजने वाले हैं। तो एक काम करते हैं भाई, अपने बेड से उठ जाते हैं इससे पहले कि 10 बजे, हम जल्दी से चलते हैं अपने पेट्रोल पंप पे, क्योंकि यार आज ना बहुत ही ज्यादा काम है हमें। पर वहां जाने से पहले ये देखो, इस गेम के अंदर ना हमारी वाइफ भी है जिसका नाम है लव 41। तो यार चल के ना इसका हालचाल पूछ लेते हैं भाई, इससे पहले कि ये गुस्सा होकर यहाँ से चली जाए। मतलब अगर हम इसका हालचाल नहीं पूछेंगे तो शायद से ये गुस्सा होकर यहाँ से चली जाएगी। तो चलो चल के पूछते हैं इसका हालचाल। ये क्या भाई, यहाँ पे ये हमें पूछ रही है, डिड यू गेट समथिंग फॉर मी, मतलब तुम मेरे लिए रात को क्या लाए थे। तो यार इसके लिए तो हम लोग कुछ भी नहीं लाए। ये क्या यहाँ पे लिखा रहा है, हेयर इज योर गिफ्ट बेबी। तो शायद से यार इसे हम गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए भाई इसको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हैं ये क्या भाई, यहाँ पे इसका नाम हो गया लव 36। तो शायद से यार यहाँ पे नंबर कम हो गए। तो मेरे हिसाब से अगर नंबर भाई 20, 10, 9, 1 ऐसे करके कम हो गए ना, तो शायद ये यहाँ से गुस्से होकर चली जाएगी, पता नहीं। तो एक काम करते हैं भाई, इससे पहले कि ये गुस्से होकर यहाँ से जाए, हम ना गेट बंद कर देते हैं ताकि भाई ये इसके अंदर पड़ी रहे। तो यहाँ पे हम लोगों ने गेट बंद कर दिया। तो यार इस घर के अंदर ना हमारी मम्मी जी भी रहती हैं, चल के ना उनका हाल चाल ही पूछ लेते हैं। ये देखो यहाँ पे एक कमरा है। तो यार वैसे हमारे घर के अंदर देखो भाई ज्यादा कुछ नहीं है, हमें सामान वान बाय करना पड़ेगा, बट यार हमारे पास पैसे नहीं है भाई। ऊपर देखो $635 है ओनली। तो चल के अपनी मम्मी जी का हाल चाल पूछ लेते हैं। ये क्या भाई, इनका नाम है मेंटल 44। मेंटल है ना, मेटल तो नहीं है, मेंटली लिखा हुआ है। यहाँ पे ये हमें बोल रही है, आई एम फाइन माई सन बट आई कैन टेक पिल। तो भाई ये ना शायद दवाई खाती है, शायद से यार इनकी दिमागी हालत ना सही नहीं है। तो यार हमारे पास इनको देने के लिए कोई दवाई नहीं है। ये क्या भाई, ये देखो यहाँ पे नंबर कम हो गए। तो मेरे हिसाब से यार जैसे जैसे ये नंबर कम होंगे ना, ये गुस्सा हो जाएंगी, मतलब शायद ये भी हो सकता है कि इनकी दिमागी हालत और ज्यादा खराब हो जाए। तो यार इनके लिए हमें दवाई ले आनी होगी और जो हमारी वाइफ है उसके लिए हमें गिफ्ट वगैरह ले आके देने होंगे उसे, तभी वो खुश होगी। तो भाई एक काम करते हैं, ये गेट मैं खुला क्यों छोड़ रहा हूँ यार, इस गेट को ना बंद कर देते हैं ताकि भाई ये ना बाहर निकल के ना चली जाए। क्योंकि अगर ये बाहर चली गई, ये वाला गेट ही बंद कर देते हैं, क्योंकि यार ये अगर बाहर चली गई ना, तो भाई ये देखो बाहर ना बहुत ही तगड़ा जंगल है, तो हम इन्हें ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तो भाई चलो जल्दी से चलते हैं, हम देखते हैं कहाँ से गिफ्ट मिलते हैं और कहाँ से दवाई मिलती है। तो यार जाने के लिए ये देखो यहाँ पे एक बस स्टैंड है, तो हम लोग यार बस स्टैंड से जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं है। लास्ट वाले एपिसोड के अंदर हमारे पास एक गाड़ी थी हमारे ग्रैंडफादर की, वो हम लोगों ने बेच दी थी। तो एक काम करते हैं भाई, चलते हैं हम सीधा बाजार में, पहले हम बाजार एक्सप्लोर करते हैं। तो ये देखो भाई जहाज उड़ने के बाद आ रही है, वैसे बस चलने के बाद आनी चाहिए। ये देखो भाई ऐसा लग रहा है जैसे जहाज टेक ऑफ कर रहा है। और यहाँ पे देखो यार हम लोग पहुँच चुके हैं सीधा बाजार में। ये क्या भाई, ये कैसा बाजार है यार, यहाँ पे तो एक ही शॉप है और यहाँ पे एक लड़की खड़ी है। ये क्या भाई, कॉटन कैंडी, ये नाच रही है भाई, इसके कपड़े देखो कितने मस्त है और इसके बाल चश्मा है भाई, खतरनाक लग रही है ये लड़की। और यहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है, यहाँ पे लिखा रहा है ई टू परचेज फ्लावर। अच्छा यहाँ से हम उसे फूल वगैरह ले आके दे सकते हैं, तो चलो यार फूल खरीद लेते हैं, एक यहाँ से पिक कर लेते हैं। और यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, छोटा सा हॉस्पिटल तो नहीं बोल सकते भाई, डॉक्टर जी बैठे हुए हैं अंदर। और चल के यहाँ से ये हमें पिल दे रहे हैं $35 की एक। तो यहाँ पे भाई लिखा रहा है कि ऐप से आप इसे सीधा घर भेज सकते हैं, तो चलो इससे हम सीधा घर भेज देते हैं ताकि यार हमारी मम्मी जी वहाँ पे ले लें दवाई अपने आप। और यहाँ पे एक शॉप है छोटी सी, ये किस चीज़ की शॉप है भाई, शायद यार ये तो नहीं कहीं ड्रग डीलर। इसका सिर देखो भाई, इसके सिर पे टैटू बने हुए हैं, शायद यार ये ड्रग डीलर हो सकता है। ये लड़की भी देखो यार ऐसा लग रहा है जैसे ये यहाँ पे कुछ मतलब नशा पत्ता कर रही है, क्योंकि इसकी आंखें देखो भाई ऊपर की ओर हुई पड़ी हैं। तो चलो इनको बात करने देते हैं और हम अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या है भाई। यहाँ पे अंदर शायद से ये कोई कैफे है जिसके अंदर चाय वाय मिलती है। ये देखो यहाँ पे कॉफियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, चल के इससे हम बाय करते हैं कॉफ़ी, बाय ए कॉफ़ी। तो यार हमें कॉफ़ी नहीं पीनी भाई, क्योंकि हमारे पास पैसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है, $550 रह गए, क्योंकि हम लोगों ने एक फूल खरीद लिया और भाई कुछ पिल खरीद ली, मतलब दवाई खरीद ली। वैसे यार इसके अंदर भाई बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, यहाँ पे एक कमरा और है, इसे खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये क्या यार, ये एकदम खाली है। और यहाँ पे ऊपर देखो भाई पत्तियाँ बाहर रखी हैं, ग्लिच है शायद कोई, तो चलो बंद कर देते हैं। अबे यार फूल नीचे क्यों फेंक रहा हूँ भाई, ये तो हमने हमारी वाइफ के लिए लिया है। यहाँ पे शायद ये क्या लिखा हुआ है, बेबी काला, पता नहीं क्या लिखा भाई, छोड़ो इसको, अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं। ये देखो यहाँ पे एक कमरा है। ये क्या भाई, ये कमरा भी एकदम खाली हो रखा है, शायद से ये भाई पर्सनल पार्टी रूम है। तो यार हमें कौन सा पार्टी करनी है, गेट करते हैं बंद और चलते हैं जल्दी से अपने घर। और जो ये फ्लावर है ना, इसको हम अपनी वाइफ को दे के आते हैं। वैसे यार जो सामने बिल्डिंग है, इसके अंदर नहीं जा सकते क्या, चलो चढ़ के देखते हैं भाई। अरे जा सकते हैं हम लोग, तो शायद यार हम लोग अपनी वाइफ को ना यहाँ पे लेके आ सकते हैं, पता नहीं, करके देखना पड़ेगा। यार एक काम करते हैं, एक कैंडी बाय कर लेते हैं यहाँ से। ये क्या भाई, ये कितनी बड़ी कैंडी है, कमाल है यार, मुझे लगा छोटी सी कैंडी मिलेगी भाई, ये तो कैंडा है, कैंडी नहीं है।
तो चलो इसको भी उठाई लेते हैं अपने हाथ में। ये क्या, कहाँ गया भाई? हैं, गायब हो गया भाई ये तो चलो चलते हैं हम अपने घर पे फिर से। अबे यार फूल नीचे कोई फेंक रहा भाई। तो यहाँ पे देखो भाई, बाजार तो हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे नाइट क्लब है शायद से, यार नाइट क्लब तो हम रात में जा पाएंगे, और यहाँ पे कार डीलरशिप है जहाँ से शायद हम लोग गाड़ियां बाय कर पाएंगे। तो यार हमारे पास तो पैसे नहीं है, बट हम लोग जाके देखेंगे भाई कि वहाँ पे कैसी गाड़ियां मिलती हैं। और यहाँ पे एक वेयर हाउस है, शायद वेयर हाउस के अंदर से सामान मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए हम सीधा घर चलते हैं और जाके ना भाई अपनी वाइफ को कॉटन कैंडी और फ्लावर दे के आते हैं। तो भाई फिर से प्लेन उड़ रहा है आसमान में और हम यहाँ पे सीधा पहुँच चुके हैं अपने घर पे। चलते हैं भाई भाग के जल्दी से दे के आते हैं फ्लावर। यार ये फ्लावर भाई शायद उसको देने के लिए नहीं है, शायद से ये सजाने के लिए है। ऊपर ये क्या लिखा रहा है, फाउंड नथिंग हिल है शायद। यार हम लोग बाजार गए थे ना, तो शायद वो बाजार नथिंग हिल में है। ये देखो भाई हमारी कैंडी यहाँ पे आ रखी है। ये क्या यार, गेट कैसे खुला भाई अपने आप? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर के अंदर ना हमारे फादर की आत्मा आ चुकी है, क्योंकि यार उनकी डेथ हो चुकी है। ओ भाई साहब ये देखो, ये बंद ही नहीं हो रहा गेट। अबे भाई क्या हो रहा है ये? तो यार मुझे लग रहा है भाई ये बंद होगा। हम जाके ना जल्दी से अपनी वाइफ को ये फ्लावर दे देते हैं। ये क्या भाई, ये फ्लावर तो ये ले नहीं रही शायद। यार ये ना फ्लावर रात को लेगी, पता नहीं। ये देखो नहीं ले रही भाई, इसके ऊपर फेंक रहे हैं यार, फिर भी नहीं ले रही है। तो यार एक काम करते हैं भाई, इसे ना हम बेड पर रख देते हैं। अबे यार भाई सीट गलती होगी, मैं सो गया यहाँ पे। तो चलो कोई बात नहीं, सो के उठते हैं फिर शायद से हम इसे दे पाएंगे। शायद से हमारे फोन का अलार्म बज रहा है। और यहाँ पे गाइस देखो सुबह हो चुकी है या फिर रात हो रही है, सुबह के शायद फिर से 9 बज चुके हैं। तो चलो दोबारा से चल के अपनी वाइफ से बात करते हैं और इसे गिफ्ट देते हैं। ये देखो यहाँ पे अब ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे ये क्या भाई, मैंने इसके लिए गिफ्ट, ओ नाइस, ये शायद खुश हो चुकी है भाई, इसने गिफ्ट ले लिया। ये देखो भाई इसका नाम लव 53 हो चुका है, मतलब ये खुश हो चुकी है। तो चलो चल के अपनी मम्मी जी को हम दवाई भी दे देते हैं। ये जल्दी से पिल उठाते हैं यहाँ से और देते हैं अपनी मम्मी जी को। ये हमारी मम्मी जी, बात करते हैं इनसे। ये ले आया हूँ मैं आपके लिए दवाई। तो ये देखो भाई इनका नाम भी हो चुका है मेंटल 57। तो शायद से अगर सो जाएगा ना तो ये सही हो जाएंगी एकदम। तो हमें इन्हें सही करना है। बट यार रुको, गेट वेट बंद कर देते हैं भाई ताकि ये बाहर निकल पाएं, और अपनी वाइफ का गेट ही बंद कर देते हैं भाई ताकि ये कहीं भाग ना पाए। तो यार चलो ये वाली कैंडी ना हम इसे नेक्स्ट वाली मॉर्निंग दे देंगे। तो एक काम करते हैं, चलते हैं चल के ना कार डीलरशिप देख के आते हैं भाई कि कार डीलरशिप में कौन कौन सी गाड़ियां मिलती हैं। तो चलो भाई उड़ाते हैं फिर से प्लेन अपना। ये देखो यहाँ से प्लेन उड़ने वाला है। तो यहाँ पे गाई समा चुके हैं सीधा कार डीलरशिप में। ये क्या यार, सामने भाई बहुत सारे घर हैं। वैसे यार हमारा घर वहाँ अकेले क्यों है फिर? ये देखो यार कितने मस्त मस्त घर है भाई। यहाँ पे इस घर के अंदर जाके देखते हैं। नहीं यार नहीं जा पा रहा भाई, इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर भी नहीं जा रहा। वहाँ सामने एक गाड़ी खड़ी है और एक बंदा खड़ा है, शायद यार वो गाड़ी बेच रहा क्या यहाँ पे सामने। ये क्या भाई, ओ भाई ये देखो, ये क्या भाई, ओ भाई साहब यहाँ पे एक मस्टैंग खड़ी है शायद। ओ नहीं यार ये तो भाई कोई GTR है। यहाँ पे लिखा आ रहा है एफ टू होल्ड टू परचेज, मतलब इसे हम शायद खरीद सकते हैं। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है फॉर सेल। तो ये गाड़ी भाई $23,487 की है। ये गाड़ी तो भाई बहुत ज़्यादा महंगी है यार, तो हमें बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाना होगा भाई। ये गाड़ी ना एकदम खतरनाक वाली लग रही है, तो इसे हम पक्का बाय करेंगे। और यहाँ पे एक वैन खड़ी है, तो ये वैन भाई $7,200 की है। और यहाँ एक और गाड़ी खड़ी है, बाकी की गाड़ियाँ तो भाई खटा रहे हैं। ये वाली गाड़ी एकदम मस्त है, निशान GTR है भाई ये गाड़ी, क्योंकि पीछे देखो यहाँ पे ये लगा हुआ है स्पॉइलर। यहाँ पे एक गाड़ी और खड़ी है, ओ भाई साहब ये गाड़ी तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। ये गाड़ी है $33,000 की। ओ भाई साहब ये गाड़ी ना बहुत ज़्यादा महंगी है, तो हमें जल्दी से जल्दी ना अपना ट्रक का बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यार अगर हम ट्रक का बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना तो हम तेजी से पैसा कमा पाएंगे। पर रुको, वहाँ सामने देखो एक बंदा खड़ा है, तो चल के ना हम जल्दी से उससे बात करते हैं। वैसे यार ये एरिया ना हमारे घर के एकदम आसपास ही है, तो चलो देखते हैं भाई ये हमें कितने में बेचेगा ये वैन। ये क्या, ये बेच रहा है इसको $8,683 में। ये क्या यार, जो अंदर वैन खड़ी है भाई वो वैन इससे सस्ती है, तो चलो इससे बार्गेनिंग करके देखते हैं। तो हमारे पास पैसे कितने भाई, हमारे पास शायद $550 है ना। तो यार इतने में तो भाई ये कहाँ मानेगा? तो यार यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं मान रहा। तो छोड़ो यार, चलते हम सीधा अपने पेट्रोल पंप पे और चल के ना जल्दी से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मतलब गाड़ियां वाड़ियों में पेट्रोल भरते हैं और पैसा कमाते हैं। तो चलो भाई भाग के चलते हैं सीधा बस स्टेशन पे। ये देखो सामने बस स्टेशन, तो यार एकदम कार फॉर सेल की तरह बनाया हुआ है भाई आने जाने का सिस्टम। तो यार हम लोग भाई बाजार भी जाए और वेयर हाउस में नहीं गए ना, और हम नाइट क्लब में भी नहीं गए, तो नाइट क्लब में तो शायद हम रात में जा पाएंगे। एक काम करते हैं वेयर हाउस में देख के आते हैं कि वेयर हाउस में क्या कुछ पड़ा है। यहाँ पे हम आ चुके हैं सीधा वेयर हाउस में, बट यार वेयर हाउस दिखाई नहीं दे रहा भाई, चारों ओर पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। और रुको, ये देखो पीछे की साइड एक छोटा सा वेयर हाउस है, तो चलो चल के देखते हैं भाई। यहाँ पे एक रोबोट घूम रहा है, ये ओ भाई ये रोबोट हमें मारने आ रहा क्या? यहाँ पे इस पे कुछ लिखा हुआ है आई कैन बाय, नहीं मारने नहीं आ रहा। ओ भाई मार मत देना, कहीं छेद ना कर दे हमारी खोपड़ी में। यहाँ पे इस पे कुछ तो लिखा हुआ है, अबे रुकना रोबोट क्या कर रहा है। यहाँ पे इस पे लिखा हुआ है आई कैन बाय योर प्रोडक्ट। अच्छा शायद से ये हमारा सामान उतारने में ना मदद करेगा अगर हम बाय करेंगे। तो चलो चल के अंदर देखते हैं। ये क्या यार, यहाँ से ये तो बंद पड़ा है। ओ रुको, यहाँ पे ये खुला हुआ है, तो चलो अंदर चलते हैं। ये रोबोट हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहा है भाई? ये देखो यहाँ पे नीचे कुछ पड़ा हुआ है, तो यार ये नीचे वाला सामान तो मैं खुद ही उठा लूंगा। तू क्या कर रहा है यहाँ से? भाग, चल निकल यहाँ से, भाग भाग भाग। शहर से यार ये रोबोट भी पैसे कमाना चाहता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ पड़ा है। ये क्या भाई, बेंची, ये है $250 का। तो भाई सामान तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ा है यहाँ पे। सोलर पैनल है एक, और यहाँ पे ये क्या है, गैस पंप। अच्छा पंप भी पड़ा है इसके ऊपर, इसके अंदर।
और यहाँ पे भाई फीमेल साइन, अच्छा फीमेल साइन है और यहाँ पे एक स्पीड बम्प है। तो यार हमें फिलहाल के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि यार हमारे पास पैसे नहीं है। ऊपर देखो भाई $480 ही बचे हैं। तो चलो यार निकलते हैं यहाँ से और चलते सीधा अपने पेट्रोल पंप पे। लो भाई आ चुके हम सीधा अपने पेट्रोल पंप पे। ये क्या भाई यहाँ पे बंदे खड़े हुए हैं गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए और यहाँ पे एक डोगिया रखा है। ये क्या, ये किसका डोगी भाई? पहले तो यहाँ बिल्ली थी, बिल्ली कहाँ गई? ओ हेलो बिल्ली गैब होगी क्या? शायद से इसे हम पेट बना सकते हैं, ई टू पेट। तो ये हमारा पेट बन चुका है। ओ हेलो भाई भोग मत वरना ये गाड़ी वाले बंदे ना चले जाएंगे यहाँ से और फिर हम पैसे भी नहीं कमा पाएंगे। तो यार एक काम कर तू वहाँ जाके खेल। तो यार जल्दी से चल के ना इनकी गाड़ियों में पेट्रोल भर देते हैं। पर रुको यार पेट्रोल भरने से पहले ना हम इसे देखते हैं भाई, ये ना शायद वॉशिंग मशीन के लिए है। तो इसे हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं? यहाँ पे कुछ लिखा आ रहा ना, यू नीड ए हैमर टू अपग्रेड। तो ये रहा भाई हमारा हैमर और इसको अपग्रेड करने के लिए लगने वाले हैं $300 और हमारे पास कितने हैं $470। तो एक काम करते हैं यार इसको हम अपग्रेड कर ही देते हैं भाई। तो यहाँ पे हमारा वॉशिंग स्टेशन शायद रिपेयर हो चुका है, मतलब लोग ना अब गाड़ियों को वॉश वगैरह कराएंगे तो हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ये क्या भाई यहाँ पे लिखा रहा है E2 रिपेयर। ये क्या यार गलती कर दी हम लोगों ने, शिट यार। ये शेड रिपेयर हुआ भाई, जो हमारा वॉशिंग एरिया ना ये वाला शायद, इसके ऊपर गाड़ियाँ आएंगी तब वॉश होंगी। तो यार इसको रिपेयर करने के लिए तो हमें कम से कम $600 चाहिए। तो भाई चलो यार पैसा कमाते चल के, जल्दी से ना इन लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल भरते हैं। निकालते हैं भाई यहाँ से पाइप, पहले तो यार इसको हम अंदर रख लेते हैं और फिर इसको निकालते हैं बाहर और निकाल के ना जल्दी से लगाते हैं इसकी गाड़ी में। ओ भाई इसकी गाड़ी देखो कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है। तो भाई पेट्रोल भर रहा है, इसकी गाड़ी में लगा देते हैं जल्दी से। ये क्या यार यहाँ पे ये देखो भाई ये लोग गंदगी मचा रहे हैं, तो इनका गंदगी हमें साफ़ करना पड़ेगा। अबे यार कितनी गंदी गाड़ी है भाई। और रुको ये देखो भाई वो रही सामने बिल्ली, मुझे लगा ना बिल्ली चली गई यहाँ से, ये रही हमारी प्यारी बिल्ली। और नाइस यहाँ पे ये नीचे बैठ गई और ये हमें बोल रही है कि मुझे फिश ले आके दो या फिर दूध ले आके दो। तो भाई बिल्ली दूध या फिर फिश खाना चाहती है, तो यार इसके लिए हमें फिश और दूध खरीदना पड़ेगा। पता नहीं भाई कहाँ से मिलेगा, मेरे हिसाब से हमें टैबलेट के अंदर से बाय करना पड़ेगा, ऐसे कुछ होगा। तो यार एक काम करते हैं जब तक इनकी गाड़ियों में पेट्रोल भर रहा ना तब तक हम यहाँ पे साफ सफाई कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे बहुत सारा कचरा फेंका हुआ है, जो कि भाई जो बंदे यहाँ पे पेट्रोल भराने आ रहे हैं ना वही फेंक रहे हैं, हम लोग तो कुछ नहीं फेंक रहे। तो यहाँ पे एक सिगरेट पड़ी है, इसे हम फेंकते हैं उठा के सीधा डस्टबिन में। वैसे हम यहाँ से थ्रो कर सकते हैं, ये देखो भाई गई सीधा डस्टबिन के अंदर। ओ नाइस ये क्या न्यू रिकॉर्ड। तो यार हम लोगों ने भाई बहुत दूर फेंकी ही, तो इसे भी उठा लेते हैं जल्दी से। अबे यार क्या कर रहा भाई, इसे फेंकते हैं भाई सीधा उसके अंदर, चल तो भी सीधा अंदर। ये वाली शायद उससे भी दूर गई, ओ भाई सीधा उसके अंदर चली गई। तो यार थोड़ी बहुत साफ सफाई हो चुकी है, पर यहाँ पे ये देखो भाई कचरा फेंका हुआ किसी ने। ओ भाई ये क्या है यार देखने में बहुत गंदा लग रहा है। तो एक काम करते हैं जल्दी से अपना ब्रश निकालते हैं और भाई इसे साफ कर लेते हैं। और यहाँ पे भी थोड़ा सा है, इसे भी करते हैं साफ। और कहाँ पे है, और कहाँ पे है, और ये क्या है, इसे भी साफ कर लेते हैं। और यहाँ पे भी भाई पीला पीला सा कुछ तो है, और यहाँ पे इसे भी साफ करते हैं। वैसे भाई हम ना शायद मिट्टी मिट्टी साफ ही कर रहे हैं, शायद ये लोगों की मिट्टी है। तो अपने टॉयलेट को भी खोलते हैं और शायद से हमें टॉयलेट भी साफ करना पड़ेगा। अबे यार देखने में भाई कितना गंदा सा लग रहा है। तो इसको साफ करने के लिए निकाल लेते हैं जल्दी से अपना प्लंजर और भाई चलो इसको साफ कर लेते हैं। बट यहाँ पे लिखा रहा है ऑलरेडी क्लीन, तो शायद से ये क्लीन है, बंद कर देते हैं। और यहाँ पे ये क्या भाई ये किसने फेंका हुआ है? एक काम करते हैं इसे उठा के ना रख लेते हैं भाई, ये काम आने वाला हमारे, जो बिल नहीं देगा ना, जो मतलब पैसे नहीं देगा उसकी पिटाई करेंगे इससे हम लोग। तो निकालते हैं फिर से अपना ब्रश और मारते हैं यहाँ पे मतलब वाइपर। नाइस भाई साफ सफाई तो हो चुकी है, वैसे अब कोई रेटिंग एक ना दिख जाए आई होप। यहाँ पे ये भी हम लोगों ने साफ कर दिया, वो काफ़ी हद तक यार साफ हो चुका है। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत गंदा है, इसे भी साफ कर देते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा गंदा है, इसे भी साफ कर देते हैं। तो यार ये क्या हो रहा है भाई, जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं देखो वहाँ वहाँ पीला पीला होता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से यार इतना साफ सफाई बहुत है, मतलब काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है। वैसे इसकी गाड़ी को भी क्लीन कर सकते हैं क्या हम इससे? नहीं यार नहीं होगी शायद से, गाड़ी तो जब हम वॉश वाला बनाएंगे ना उसी से क्लीन होगी। तो एक काम करते हैं ये देखो, अभी ये क्या भाई यहाँ पे ये देखो शायद से इनकी गाड़ी में ना पेट्रोल नहीं भरा जा रहा। मेरे हिसाब से ना जो हमारे पास पेट्रोल पड़ा था वो कम हो चुका है। तो यार एक काम करते हैं जल्दी से हम अपना टैबलेट खोलते हैं और पेट्रोल बाय कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास पेट्रोल ही नहीं होगा तो भाई हम भरेंगे क्या? वैसे भी रात होने वाली है, टाइम देखो यार 15:12 हो रहे हैं, मतलब शाम होने वाली है। तो भाई चलो खोल लेते हैं जल्दी से अपना टैबलेट और इसके अंदर ये देखो ये रहा स्टेशन। और यहाँ पे ये क्या यार फ्यूल, अच्छा यहाँ पे ये देखो दिखा रहा भाई फ्यूल 0%। तो यार हमारा फ्यूल ना एकदम खत्म हो चुका है। ओ भाई ये क्या, अगर हम इसको फुल करेंगे तो यहाँ पे कम से कम लगने वाले हैं $450। तो यार इतने तो हमारे पास पैसे नहीं है यार, हम लोगों ने गलती कर दी भाई, कैंडी वैंडी बाय नहीं करनी थी। तो यार एक काम करते हैं थोड़ा सा पेट्रोल मंगवा लेते हैं $150 का। तो यार जो फ्यूल कार है ना वो पीछे से आएगी, वो देखो भाई सामने ट्रक आ रहा है फ्यूल लेके, तो जो वो ट्रक है ना वो इस साइड आएगा पीछे। यहाँ पे हमारा पीछे की साइड एक टैंकर है, इसके अंदर फिल करके जाएगा। ये देखो यहाँ पे ना दिखा रहा होगा, ये देखो यहाँ पे दिखा रहा भाई 0%। तो चलो यार देखते हैं हमें कितना पेट्रोल मिलेगा $150 में, क्योंकि भाई $400-450 में फुल हो रहा है ना। तो मेरे हिसाब से हमें 20% या फिर 25% पेट्रोल ही मिलने वाला है। वैसे यार हम लोग लोन वोन ले सकते क्या? वेट रुको हम टैबलेट खोलते हैं और यहाँ पे जाते हैं अपने बैंक के अंदर। यहाँ पे मेल है और येलो वेब, ये क्या है येलो वेब? अच्छा यहाँ से गाड़ी हम डायरेक्ट बाय कर सकते हैं, तो हमें शायद डीलरशिप वगैरह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये क्या भाई यहाँ पे पुलिस वुलिस आ रही है क्या? शायद से ये गाड़ी आई है, ये घंटी बजा रही है। तो एक काम करते हैं यहाँ से ना जल्दी से निकालते हैं भाई पाइप और लगा देते हैं अपने उसके अंदर। नाइस ये देखो इसके अंदर पेट्रोल भरा जा रहा है। तो भाई इसके अंदर भरा गया 30
31, ये क्या 29 है, ये क्या भाई, ये क्या हो रहा है? अच्छा इसके अंदर जितना पेट्रोल भरा गया ना वो धीरे धीरे खाली हो रहा है, क्योंकि वो पेट्रोल गाड़ियों के अंदर भरा जा रहा है। तो वहाँ सामने लड़की की गाड़ी में पेट्रोल शायद फुल हो चुका है, तो वो ये कहाँ जा रही है? हेलो कहाँ जा रही हो दीदी जी? इधर 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 इधर, पैसे दो, कहाँ जा रही हो? अच्छा ये शायद अंदर जा रही है बिल कटवाने, मतलब घूम के जा रही है इधर से, शायद ये देख रही है कि ये वॉश वाला बना कि नहीं बना, शायद से ये अपनी गाड़ी भी वॉश कराना चाहती थी। तो चलो कोई बात नहीं, चल के इसका बिल काट देते हैं। वहाँ पे एक बंदा रखा है, और नहीं वो गाड़ी वाला बंदा भाई, वो भी शायद बिल देने जा रहा है। तो इनकी गाड़ी से हम निकाल देते हैं जल्दी से, यहाँ से पाइप, यहाँ से नहीं यार, यहाँ से निकलेगी शायद, ये देखो यहाँ से निकालते हैं और लगा देते हैं इसको सीधे इसके अंदर। तो यार अगर हम एम्प्लॉय वगैरह हायर कर लेंगे ना तो भाई हमें बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, मतलब एक बिल काटने वाला बंदा जाएगा ना, यहाँ पे प्यारी सी बिल्ली बोल रही है कहीं, तो हमें यार अपनी बिल्ली के लिए खाना वाना बाय करना पड़ेगा, वरना भाई हमारी बिल्ली ना मर जाएगी, और जो हम लोगों ने पेट हायर किया है मतलब पेट पाला है वो भी बेचारा मर जाएगा। ये क्या यार, यहाँ पे खाना भी खत्म हो चुका है, मतलब कैन की बोतलें वगैरह, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कैन वगैरह रखेंगे ना मतलब एक्स्ट्रा मंगा के, तो भाई ये लोग ना हमें एक्स्ट्रा पैसे देंगे, मतलब हम एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे सामान रख के बेचें। तो हम ऑर्डर करेंगे, फिलहाल के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं है। ये क्या भाई, यहाँ पे एक सिक्योरिटी वाला बंदा रखा है शायद से, ये ना यहाँ पे सामान खरीदने आया है। ये देखो भाई, फाउंड नथिंग इलीगल। अच्छा रुको भाई, ये बंदा ना यहाँ पे चेक करने आया था कि हम कुछ इलीगल तो नहीं बेच रहे। तो मेरे हिसाब से अगर हम लोग ड्रग डीलर के पास जाएंगे और ड्रग बेचेंगे ना तो यहाँ पे रख के बेचेंगे, तो जब ये पुलिस वाला आएगा ना तो यहाँ से हमें ड्रग हटाना पड़ेगा, वरना ये हमें जेल कर देगा। तो ये बंदे बोल रहे हैं कि जल्दी से हमारा बिल काट दो, तो चलो यार जल्दी से ना इनका बिल काट देते हैं। दो यार पैसे जल्दी से, ये हमें दे रही $61, नाइस। और ये बंदा हमें दे रहा है कितना दे रहा है, ये हमें दे रहा है 60, ये भी 60 दे रहा है। तो चलो सही है, यहाँ पे हमारे पास हो चुके हैं भाई $142। तो एग्जिट करते हैं और चलते हैं बाहर, चल के ना कुछ खाने पीने का सामान मंगा देते हैं। पर उससे पहले ना हम जाते हैं भाई अपने टैबलेट के अंदर और लोन के लिए अप्लाई करते हैं। ये देखो यहाँ पे लोन है, यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है पंप बैंक। अच्छा ये पंप का बैंक है जो हमें देगा भाई $1000, बट ये इंटरेस्ट अप्लाई करने वाला 15% का, मतलब अगर हमें ये $1000 देगा तो हमें 15 दिन के बाद इनको भाई $1150 वापस करने होंगे, मतलब $150 इनको एक्स्ट्रा पैसे पे करने होंगे। यहाँ से अप्लाई कर देते हैं, देखते हैं भाई हमारा लोन अप्रूव होता है कि नहीं होता। यहाँ ऊपर लिखा रहा है वी विल सेंड यू नोटिस, मतलब मेल वेल सेंड करेंगे शायद से ये अगर हमारा लोन अप्रूव हो जाएगा। मुझे लग नहीं रहा यार कि हमारा लोन अप्रूव होगा, क्योंकि भाई हमारा जो बिजनेस है ना बहुत ही ज्यादा छोटा है। वैसे $1000 का किया है यार, तो $1000 का शायद हो जाना चाहिए। और नाइस भाई ये देखो, यहाँ पे जिन लोगों ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया था ना वो गाड़ी अपनी वॉश भी करवाना चाहते हैं, तो चलो चल के वॉश करते हैं। पर ये क्या यार, हम लोगों ने तो यहाँ पे इसको अपग्रेड ही नहीं किया। अबे यार इनको शायद गलत फहमी होगी। ओ नहीं भाई रुको, ये देखो यहाँ पे कोई गन पड़ी है। अबे यार इससे क्लीन कैसे करेंगे भाई, कुछ भी नहीं हो रहा। ये देखो इसको चलाना कैसे है, कुछ लिखा भी नहीं आ रहा यहाँ पे। नहीं यार शायद से मुझे लग रहा ना इसको चलाने के लिए पानी की जरूरत पड़ने वाली है, शायद से इससे हम इसे साफ कर सकते हैं। तो यार अगर इससे हम साफ करने बैठेंगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये देखो भाई ये मिट तो रहे हैं पर टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। और वहाँ सामने यार दो बंदे भी आ चुके हैं। अबे यार क्या ही हो रहा है भाई, एक काम करते हैं टैबलेट के अंदर जाते हैं और भाई देखते हैं कि हम बंदे हायर कर सकते हैं, मतलब अपने एम्प्लॉई। अबे यार रात भी होगी भाई, पर रुको यार यहाँ पे ना देखो मेल आई हुई है, तो चलो मेल चेक कर लेते हैं जाने से पहले। ये क्या यार, हाउ अबाउट योर अपग्रेडिंग योर हाउस। तो शायद से कोई न्यू हाउस वगैरह अनलॉक हुआ है, तो उसे हम बाद में देखेंगे। अबे यार ये क्या हो गया भाई, दोबारा से जाते हैं मेल में। योर एप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड, यू कैन रीच हायर लोन बाय इंक्रीजिंग योर इनकम लेवल और स्टेटस। तो भाई जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जब तक हमारा बिजनेस थोड़ा बड़ा नहीं होगा तब तक ये लोग हमें शायद लोन नहीं देंगे। बट यहाँ पे नीचे कुछ लिखा हुआ है, यू शुड नॉट हैव एनी अपग्रेड इनवॉइस आइदर, मतलब अगर हम शायद बिल विल पे कर देंगे ना तो भी शायद हमें ये लोन दे देंगे। तो यार हम लोग ना ड्रग डीलर के पास जाने वाले थे आज, तो भाई रात हो चुकी है, तो हम रात को ना ड्रग डीलर के पास जा सकते हैं और मोटा पैसा कमा सकते हैं भाई ड्रग वगैरह बेच के। तो एक काम करते हैं, यहाँ से चलते सीधा ड्रग वाले के पास। तो मेरे हिसाब से ड्रग डीलर हमें मिलने वाला नाइट क्लब में, क्योंकि यार लास्ट टाइम मेल आई थी कि ड्रग डीलर है जो नाइट क्लब के पास मिलेगा हमें। तो गाइस यहाँ पे प्लेन उड़ रहा है फिर से और हम पहुँच चुके हैं सीधा नाइट क्लब। तो यार चलो चलते हैं सीधा नाइट क्लब के अंदर। ये क्या नाइट क्लब, ये क्या भाई, ये कैसी जगह पे यार, बड़े बड़े पत्थर हैं ऊपर देखो और यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है। तो भाई लोग यहाँ पे आते कैसे होंगे, यहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं खड़ी और यहाँ पे एक सिक्योरिटी वाला खड़ा है, तो ये हमें घूर कैसे रहा भाई। ओ वेट ये क्या, यहाँ पे ये हमसे $25 काटने वाले हैं। ओ भाई साहब जंगल के अंदर एकदम मॉडर्न टाइप का नाइट क्लब बना हुआ है, जहाँ पे देखो कुछ लड़कियां वड़कियां नाच रही हैं और भाई रिच रिच बंदे आके बैठे हुए हैं। बट जो ड्रग डीलर है वो हमें कहाँ मिलने वाला है, ये क्या ड्रग डीलर, हेलो हेलो ड्रग डीलर। नहीं यार ये भी नहीं ड्रग डीलर, ये भी लग रहा भाई, ये लोग भी नहीं लग रहे ड्रग डीलर। वैसे ये क्या ड्रग डीलर, ये भी लग रहा, ये तो अंकल जी लग रहे हैं। और ये वैसे ये देखो भाई सारे सारे बंदे हमें घूर रहे हैं, ये लड़की है क्या ड्रग डीलर। प्रेस ई टू डांस, तो इसे हम शायद नचवा सकते हैं, बट यार इससे नचाने के लिए हमें देने होंगे $122। तो यार इतने पैसे तो हमारे पास है ही नहीं भाई, हम लोग इतने अमीर नहीं है शायद से भाई। ये बंदा क्या ड्रग डीलर, नहीं यार यहाँ से हम बियर वियर पी सकते हैं, तो यार बियर अगर पियेंगे तो भाई हमारे पास पैसे कम हो जाएंगे, तो मैं नहीं पी रहा भाई। तो एक काम करते हैं यार चलते हैं यहाँ से बाहर। ओ भाई साहब अगर हम दोबारा जाएंगे तो दोबारा से $25 लगेंगे हमारे। तो एक काम करते हैं भाई चलते हैं हम सीधा अपने पेट्रोल पंप पे। ये क्या यार गड़बड़ होगी भाई, हमें ड्रग डीलर मिला ही नहीं। अबे यार ये क्या, मैं सीधा अपने घर पे आ गया। तो एक काम करते हैं यार जल्दी से ना सो के उठते हैं और दोबारा से चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि यार रात हुई पड़ी है, रात को ना काम करने का मन नहीं करता। यहाँ पे गेट खोलते हैं और जाकर ना जल्दी से अपने बेड पे सो जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या लिखा रहा है, हायर पंपर।
टैप टू ओपन योर टैबलेट। तो शायद से ये क्या भाई, यहाँ पे जो बंदे वहाँ पे पेट्रोल भरवाने आए थे ना, उन्होंने देखो 00 रेटिंग दी है फिर से। तो यार हमें ना भाई इम्प्लॉई हायर करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं इम्प्लॉई हायर कहाँ से करेंगे। तो यार हमें कहाँ से मिलेगा इम्प्लॉई, रुको यार यहाँ पे स्टेशन दिया हुआ ना कुछ। तो ये देखो भाई यहाँ पे वर्कर प्राइस स्टेशन अपग्रेड। अच्छा यहाँ से हम अपने स्टेशन को अपग्रेड वगैरह कर सकते हैं और यहाँ पे वर्कर भी हायर कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं भाई, यहाँ से ना हम एक वर्कर हायर कर लेते हैं। ये क्या, ये डेली पेमेंट लेने वाला है $81 और ये लेने वाली है भाई $88। तो क्या करें यार, इसे हायर कर ले क्या? चलो इस लड़की को हायर कर लेते हैं क्योंकि इसके स्किल ज्यादा है। वैसे स्किल तो ज्यादा क्या है, सबके एक एक स्किल है। तो हम लोगों ने भाई उस लड़की को हायर कर लिया और हमारे पैसे, ये क्या भाई पैसे भी कटने वाले हैं। तो एक काम करते हैं जल्दी से चलते हैं यहाँ से, पर उससे पहले ना इस कैंडी को हम अपनी वाइफ को दे देते हैं ताकि भाई ये खुश हो जाए। अगर हम इसे शायद कैंडी वैंडी देंगे ना तो हमारी एक्सपी बढ़ जाएगी। अबे यार ये क्या भाई, फिर से नंबर डाउन हो गए। तो शायद से यार ये कैंडी नहीं खाने वाली, तो ये कैंडी किस काम आने वाली है। इसे फेंक देते हैं भाई यहीं पे और गेट कर देते हैं बंद ताकि ये यहां से भाग ना पाए। और चलते हैं अपनी मम्मी जी के पास। ये क्या भाई दवाई कहाँ गई? शायद से यार जो दवाई थी ना वो पूरी की पूरी वो खा चुकी हैं। तो यार छोड़ो, उनसे बात करने को रहने देते हैं वरना वो हमसे दवाई मांगेंगी। तो एक काम करते हैं गेट करते हैं बंद और चलते हैं जल्दी से अपने पेट्रोल पंप पे, क्योंकि यार जो हम लोगों ने इम्प्लॉई हायर किया ना, चल के उसको देखते हैं कि वो कैसे काम कर रही है। ये क्या भाई नॉट इनफ मनी। अबे यार ये क्या भाई, पूरे के पूरे पैसे कट गए और ऊपर बचे हैं $9। यहाँ पे ट्रैवलिंग के लगने वाले हैं कितना डॉलर लग रहे हैं, $10। अबे यार $1 कम है भाई, $1 जाके अपनी वाइफ से मांग ले क्या? अबे यार मुझे ये भी नहीं पता कि हमारा पेट्रोल पंप है कहाँ पे। शिट यार गड़बड़ होगी भाई, ये तो बहुत बड़ी। A few moments later, पहाड़ों में आधा घंटा भटकने के बाद मैं अपने स्टेशन पे पहुंच चुका हूँ और यहाँ पे देखो दो बंदे आ रखे हैं। तो चल यार ये क्या आ रहा है ऊपर, बिल एग्जिट। तो चल के ना पहले बिल पे कर देते हैं। बट वो लड़की जो हम लोगों ने हायर की है, शायद से भाई ये लड़की है वो जो हम लोगों ने हायर की है। तो ये क्या है, ये अच्छा ये कैशियर है। अरे यार ये कैशियर का काम करेगी, हम वहाँ पे काम करेंगे, ये तो गलत बात है यार। ये इसे भेजते हैं भाई वहाँ पे। नहीं यार ये नहीं जा रही भाई, शायद से यहीं पे काम करेगी, मतलब बिल काटेगी। चल के भाई जल्दी से ना जो बंदे यहाँ पे खड़े हैं ना गाड़ियां लेके अपनी, जल्दी से इनकी गाड़ी में पेट्रोल डाल देते हैं। वैसे यार पेट्रोल, ये क्या भाई, शायद से यार ये खाली हो चुका क्या हमारा पेट्रोल पंप? रुको यार देखने दो भाई, हमारा चैम्बर शायद खाली हो गया। स्टेशन के अंदर जाते हैं और फ्यूल के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे फ्यूल गाइस ये देखो 7% फ्यूल है इसके अंदर। तो भाई मेरे हिसाब से ना इनका काम चल जाएगा। तो यहाँ से इनसे पैसे वैसे ले लेते हैं जल्दी से, इसे निकालते हैं बाहर। तो मेरे हिसाब से यार ज़्यादा बंदे इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि यार हमारे स्टेशन की ना रेटिंग बहुत ज़्यादा कम है, तभी शायद यहाँ पे ज़्यादा बंदे नहीं आ रहे। ये देखो भाई फिर से लोग कचरा फेंक रहे हैं। तो मुझे लगा ना वो लड़की यहाँ पे कचरा फेंकेगी, बट भाई वो तो कैशियर पे बैठ गई जाके आराम से। तो कोई बात नहीं, हमें अब कैशियर पे जाना नहीं पड़ेगा, हम यहीं पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे शायद इसकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल, अरे यार मुझे लग रहा ना कि हमारे चैम्बर में ना फ्यूल खत्म हो चुका है। शिट यार गड़बड़ होगी भाई। तो जाते हैं अपने स्टेशन पे। अबे यार ये देखो भाई यहाँ पे 0% दिखा रहा है। तो यार मेरे हिसाब से ना हमें लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो चलो यार दोबारा से लोन के लिए अप्लाई करके देखते हैं क्योंकि हमें लोन की ना बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि भाई अगर लोन ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे इस गेम के अंदर। तो यहाँ से दोबारा से करते हैं अप्लाई। तो यार गड़बड़ कर दी भाई हम लोगों ने, शायद ना हमें पहले सामान मंगाना था, फिर उस सामान को बेचना था और फिर उसके बाद हमें इम्प्लॉई हायर करना था। बट कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। वैसे यार जो ड्रग डीलर था वो कहाँ पे मिलने वाला, वो भी नहीं हमें मिला, वो भी भाई बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। नाइस भाई यहाँ पे एक ईमेल आई है हमें, तो चलो देखते हैं उन्होंने हमारी एप्लीकेशन, ये क्या भाई फिर से रिजेक्ट कर दी। तो गाइस यार आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वाले एपिसोड के अंदर हम जाएंगे सीधा ड्रग डीलर के पास। तो यार ऑफलाइन के अंदर ना मैं सामान वगैरह बेच के थोड़े बहुत पैसे बढ़ा लूंगा। तो आई होप गाइस कि आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो भाई अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ना लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे ना बहुत सारी गेम प्ले वीडियोस आने वाली हैं। तो गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, गुड बाय।